सत्य 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 कौन आला अपा चा पीबु बोली कहिलु परा छत ऊपर कौन करछु आ तळ को हो तू चल तोर कौन ही थी सत्य तू एमिति कहीं होचु मोजोगु तुम्हें समस्त बदनाम हेला ना अपा बापा को सुनना मेरे भी आंच असला तो विषय रे जे जहा कहले भी तू कॉपी करिनु बोली मु तो जानि छी तू सिना अपा एक कथा कहउछु हेले बापा तो से कथा बुझु नांती त छोडा मु तो कॉपी करछु बोली हाथ कटी लिखि दिछि लिखि देले कोन हला से परिस्थिति रे तू न लिखि के आ कोन करथांदु जे तू मुट्टे व्यस्त हना मु आज ऑफिस जाय के भाई के संगे फोन रे कथार्थ होबे होय त तांकर के चिन्हा परिचय थिबे से तते सहाय्य करि परंती ना अपा तू भाई पक्को फोन करना से रालकोला गला को मत केते बुझे की जाईतिले मु कॉपी कथा सुनले से कोन भाव्य कहलु भाई कोन तते चिन्ना ते जे तू कॉपी करथुलु बोले से विश्वास करिवे बरम ए बिषय रे जानिले तो पई चेष्टा करिवे भाई सिना विश्वास करिवे नी हेले भाऊज सुनले त कथाटा चारियाटे प्रचार हि जीवो मु पछे 3 वर्ष परीक्षा देबिनी तते मोर नपा तू भाई पक्को फोन करिवुनी चा ठंडा हे गलाने पीलुनी ना था पीवनी पीवनी कहीं की रहो मु गरम करके आंचे शीघ्र कॉलेज जीवा जाने के लिए मुझे गाधे हो जाए ना था दी बात था लड़े सबूत छड़ी है जो अब खाई ले कौन जेते जेते बड़ा है इतना सबूत खाई तो ले मतलब कॉलेज रे पहुंचो डेरी ही था था आज बड़ा फास्ट पीरियड जनरल क्लास ठीक समय रे कॉलेज रे ना पहुंच ले प्रिंसिपल को पड़ी एक्स्ट्रा सम दो पड़ी हो जे माछो मुंडो रे भी खाई लनी बो केते श्रद्धा रे बाड़ी थीला कहिलो सासु को श्रद्धा कथा बुझु छी जे एले माछो मुंडो टा खाई बसले मते तने फास्ट क्लास ना मिस करियो पड़ी सेदिन सेमती सासु मंगले बोस्टन आनिया बुझे कॉलेज रे पहुंचला को देरी हे गला मो बहु कोन तुमा बहु नमे सासु सासु कोन कहू छम बहु से घरे अछि सुनिले कोन भाबीबे कहिलो स्त्री को बहु को त सासु को आ जाय तमो बहु को जदी बहु बोली डाकीबी तले मो बहु को कोन डाकीबी मम्मी काहे कि मो बहु को मां बोली डाकुनो आ सासु ओटे कोन मो डाके त मां बोली डाकेनी तमो सेमती कहि देली कॉलेज रु फेरला बेलू को बहुरा मेडिसिन आ कंप्लेन मने कर आनिबो अच्छा इते कंकड़ा मिलेनी हटात कंकड़ा कथा के पचारलो तुम ऊपर कंकड़ा भल लागेनी मो पई नेमो बहु कहुतेला बोली पचारली काली तो गुरुवार पर दिन आनंतनी
पर दिन तुम बो पूरा खाली भुवनेश्वर जी मु एडवांस टिकट करी आनी छी मते न पचारी काई टिकट कर देलो से खाली जीवनी म प्रथम दर पै रोर केला आसी छी किंतु मते त कहथले खाली जेमितेले जीवे बोली मासेला एठी आसलेनी सेडा दामा आ बापा हैरान होतिबे सेइतने से भारी व्यस्त बरम मु तांको आउ किछ दिन एठे रहिया पै कहथली ता कथार तमे कोन पाइबो म मो आगरी भी जीवा कथा कहथले मु मना कली घरे त हमर माळ माळ पियन ऑर्डरली बापा आ दामंकर किछि असुविधा नथिबो बहुत तो जानी रोगी लोक एठी से टिके भल अछि आउ किछ दिन रहले खेती कोन हो ठीक अछि तमो बहु एठी रहले मोर किछ खेती नै मु जाय मोर डेरी हलन टिकट ता कैंसिल कर दबो नले एतोडा पैसा पानी रे पड़िबो हां बहु मेडिसिन आइबो से भूलिबनी हां ने एमडी तुमको एक कथा कहले हां एमडी का धारणा जे तमे मो रिलेशन आ तमो सा एक्टिंग करले मते घर लोग किछ कहबेनी खाली एमडी कोन ऑफिस जाको लोग जानंती तमे मो रिलेशन बोली अन्य माने सिना जानि छंती हेले घरे तो जानि छंती भाई को बंधु हिसाब रे आमो घर सहित तमरा चिन्ह परिचित आ तमे चेष्टा करी मते एठी रखे दिजो तमो चाकरी पई एमडी को मते मिच्छ कहियो पड़थिला हाउ ऑफिस ड्रामा कथा सुनी तुम घरे कोन कहि बापा तो अलगा धरणर मणिस मते किछि कहंतिनी ए केस रे किंतु बो राजी हो नथला इच्छा थाउ कि न थाउ बापा किंतु परमिशन देले श्याम खबर कोन तंग कॉलेज रो स्टाफ क्वार्टर रे रहउची ना घर भाडा नै छि घर भाडा नै रहउचंदे भाई एठी के ट्रांसफर हे आसला परे आमा घरे सब बेले गहले चली लागि रहउथला भाई पो टुकुना थिला मेन अट्रैक्शन गवर्नमेंट चाकरि रे एही असुविधा ता ससुर को कहिथिले ट्रांसफर ऑर्डरटा कैंसिल हेइ थांदा किंतु सी जेमते पिला काहा को अंडू रिक्वेस्ट करिवनी कोन दरकार जे काहा को कहिबा गवर्नमेंट चाकरी करछ जते बळे जोठकी ट्रांसफर करबे सेठी के जीवो अच्छा तमो नजर रे केही सुंदर छियो नांती जदि थिबे एटिके मने पके कहिबो हटात कोटे सुंदर छियो कथा काई पचारलो एत्ते मॉडल मानु को नै काम कला परे भी आहुरी सुंदर छियो दरकार ए आर्ट एजेंसी रो क्लाइंट मान को सटिस्फाई करबा बडो डिफिकल्ट सुवर ना टॉप मॉडल को नै प्रोजेक्ट तयारी करले से माने बजेट रे राजी हेबेनी अथच टोटली न्यू फेस को नै कम बजेट रे ए क्लास ऐड करिया पई कहिबे मोर गोटे डिटर्जेंट कंपनी रो नुवा प्रोडक्ट पई जने नुवा मॉडल दरकार मॉडल हला परे जिया त मो नजर रे नांती तथापि कोड जदि खबर पाए मु कहिबे एमडी त किछु बुझु नांती नुवा मॉडल हला बळी जियो खोजिबा केते कष्टकर व्यापार से कथा से भाबी पर नांती क्लाइंट जदि अन्य कंपनी ते ऐड करेला तबे सेटा को भी से सहज रे ग्रहण करि पर नांती आ सेसरे टोटल ब्लेम आमरी ऊपर को आछि सेथि पई त मिस्टर पटेल को कंपनी मोटा दरमा दे कि एमडी चेयर रे बसै छि ईस्टर्न ऐड एजेंसी रो इंटरेस्ट देखिबारे तांकर भूल रहला कोठी डिटर्जेंट पाउडर लागि तमे मॉडल हे जाउ ना सुवर्णा मु आ मॉडलिंग ऑफिस ड्रामा रे रोल करछ जे केमिते सेटा सरीबो सेया भाबुचे तमे पुनी मते मॉडलिंग करियो कहुछ मु एमती कहली तमे कोन सत्त भाबिला बो तू एना खाइबो मो बाड़ी में ना खाओ आउ के जाओ खाइबा तो तू तो बहु अच्छा लोको तते पर हम जीबा को मना करले तू तांका अगर तो जीबा कथा केमिति कहतलु से काली पई टिकट कर दे छंती सत्तेरे टिकट कर दे छंती झिया घरे एते दिन रहिबाटा काले जोई पसंद कर नथिबे सेइति पई मो तांका अगर कहतली आ सीए जदि मो कथा को सत्त भाभी सत्तरे टिकट कहि देथिबे
ତାହେଲେ ତ ମତେ ଯେମିତି ହେଲେ ଯିବାକୁ ହବ। ତୁ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ ଯେ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଇଛି। ତୋର ତ ଦେହ ଭଲ ରହୁନି, ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲେ କ'ଣ ଆଉ ଅଧିକ କରିବୁ ଯେ? ସେଠି ତ ଚାକର ପୂଜାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତୁ ବରଂ ଏଠି କିଛି ଦିନ ରହିଗଲେ ତୋର ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ହବ। ମୋ କଥା ଛାଡ଼େ, ମୁଁ ତ ଆସି ବୁଢ଼ି ହେଲିଣି, ତୋ ସାନ ଭାଇ ଦାମ କଥା ଭାବେ, ସିଏ କେମିତି ମଣିଷ ହବ? ବାପାଙ୍କର ରିଟାୟାର୍ଡ କରିବାକୁ ତ ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ରହିଲା, ୟାର ଗୁଣଗ୍ରାମ ଦେଖି ଆକୁ ଗାଁକୁ ପଠେଇ ଦେବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଗାଁ କଲେଜରେ କି ପାଠ ପଢିବ, କି ମଣିଷ ହବ? ସେଇ କଥା ଭାବି ଭାବି ମୋ ଦେହ ବେଶୀ ଖରାପ ହଉଛି। ତୁ ଦାମ ପାଇଁ କାହିଁକି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ ଯେ? ମୁଁ ତା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ କରି ରଖିଛି, ତା ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ତାକୁ ଏଠିକି ନେଇ ଆସିବି। ବାପା କଣ ମୋ କଥା ରାଜି ହେବେନି? ବାପା କାହିଁକି ରାଜି ହେବେନି? ମୋର ଖାଲି ଜୁଇଙ୍କୁ ଡର। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଦାମ କେମିତି ସୁକୁମାରିଆ ପିଲା, କଣ ଯଦି ପଦେ କହିଦେବ ରାଗିକିରି ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବ। ସେଥର ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ ହେଇଗଲା ବୋଲି ବାପା ପଦେ କଣ କହିଦେଲେ ଯେ? ରାଗିକିରି ଘର ଛାଡି ଚାଲିଗଲା ଯେ ଆମେ ଖୋଜି ଖୋଜି ନୟାନ୍ତ। ହଁ ପରା, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଜୟପୁରରେ ଥାଉ, ଖବରଟା ଶୁଣି ମୁଁ କଣ କମ କାନ୍ଦିଛି? ବାପା ପଛରେ ଖବର ଦେଲେ ସେ ଯାଜପୁରରେ ଅଛି, ଗଲାବେଳେ ବାପାଙ୍କ ପକେଟରୁ ଲୁଚେଇକିରି 1000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା ବୋଲି ସିନା, ନହେଲେ କଣ କମ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା? ଦାମର ଟଙ୍କା ଚୋରି କଥା ଜଣେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ? ତା ନହେଲେ ତାକୁ ଚୋର ବୋଲି ଭାବି ଆଉ ଘରେ ପୁରେଇବେନି। ମୁଁ କଣ ଏଇଟା ବକି ହେଇଯିବୁ? ଆମ ଘର କଥା ତାଙ୍କୁ କହିବି, ସିଏ ଜାଣିଲେ ପ୍ରତି କଥାରେ ମତେ ଖୁଣ୍ଟା ଦେବେନି? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କାହାକୁ କହିନି, ତୋ ବାପା ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୋ ବାପାଙ୍କ ପକେଟରୁ ଖାଲି ସେ ଟଙ୍କା ନେଇନଥିଲା, ମୋ କାନଫୁଲ ହଳକ ବି ନେଇଯାଇଥିଲା। କାହାକୁ ଏ କଥା କହିବି? ଲୋକେ ଶୁଣିଲେ ମତେ କଣ କହିବେ? ବାଜେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡି ଏମିତି ସବୁ କରୁଛି, ମୋ ପାଖରେ ଏଠି ଆସି ରହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େ ଜଗିବିନି? ଦୁଇଟା ଟ୍ୟୁସନ ଦେଇଦେଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଡ୍ଡା ମାରିବାକୁ ବେଳ ପାଇବ କୋଉଠୁ? ତୋ ମନ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମ, ହେଲେ ଇଏ ତ ମାସେ କି ବର୍ଷକର କଥା ନୁହଁ, ବିଏ ପାସ୍ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ପାଖରେ ରହିବ। ଯଦି ଜୁଇଁ କି ସମୁଦି ସମୁଦୁଣୀ କାଳେ କିଛି କହିବେ? ଏଇଟା ମୋ ଘର, ମୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି। ଆଉ ତୋ ଜୁଇଁ ମୋ ଶାଢ଼ୀ କାନିର ଚାବି ନେନ୍ଥା, କାନିରେ ବାନ୍ଧି ପିଠିରେ ପକେଇଦେବି। ସେ କଣ ଏଠି ଆସିବାକୁ ଜମା ରାଜି ହଉଥିଲେ କି? ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପରା ଲଗେଇଥିଲେ ବାପାଙ୍କୁ କହି ବଦଳି ଅର୍ଡର କ୍ୟାନସେଲ କରିବାକୁ, ମୁଁ ସଫା ମନା କରିଥିଲି, କହିଲେ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ତୋ ବାପା କଣ କମ ଲୋକ କି? ଯେମିତି ମୁଁ କହିଛି ଜୁଇଁଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଉରକେଲାକୁ ବଦଳି କରିବା ପାଇଁ, ହଁ କରି ଉଠିଲେ ପରା, କହିଲେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ମୁଁ ବଦଳି କରେଇଛି, 8 ମାସ ହେଇନି, ମୁଁ ପୁଣି କେମିତି ମନ୍ତ୍ରୀ କି କହିବି? ସେଉଠୁ ଆଉ କଣ, ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଯଦି ବଦଳି ନ କରିବ ଅରୁ ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଚଳିପାରିବନି। ତମେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଉ ଥାଉ ଝିଅଟା ମୋର ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇବ? ତୋ କଥା ଶୁଣି ବାପା କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଜୁଇଁଙ୍କର ଏଥିରେ ମତ ଅଛି ତ, ନହେଲେ ପୁଣି ପଛରେ ମତେ ଦୋଷ ଦେବେ। ମୁଁ କହିଲି ଜୁଇଁକି ନ ପଚାରି ଅରୁ କଣ ଆଉ ଏକଥା ତା ମନରୁ କହୁଛି? ତାପରେ ଯାଇ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନା? ସେଇ 8 ମାସ କଳ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ମୁଁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଯାଇଛି ବୋଉ। ପୁରା ଦରମା ଟଙ୍କାଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ହାତକୁ ବଢେଇ ଦିଅନ୍ତି, କଣ ଗୋଟେ କିଣିବାକୁ ମନ ହେଲେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ପତେଇବାକୁ ପଡେ ପରା। କାହିଁକି ଆଉ ସେ ପଛ କଥା ଗୁଡା ମନେ ପକଉଛୁ? ଏଥର ସାନ ଭାଇକି ପାଖକୁ ନେଇଆ, ତମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ 2 ଜଣ ଏକାଠି ରହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି। କହିଲି ପରା ଦାମକୁ ମୁଁ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବେ, ତୁ ତାକୁ ଟିକେ ଖବର ଦେ। ସିଏ ତ ଲାଜକୁଳ ପିଲା, ସିଏ କଣ ମୋ କଥାରେ ଆସିବ? ତୁ ବରଂ ଜୁଇଁକି କହି ତା ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଦେ, ହୁଏତ ଭିଣେଇ କଥାରେ ସିଏ ଆସିପାରେ। ଏମିତି କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ? ମୁଁ ତମକୁ ଚିହ୍ନି କି ଜାଣିନି, ମତେ କହିଲୁ ଆମେ ଏଠୁ ବସିବାକୁ ଆସିନୁ, ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆମେ ଚାଲିଯିବୁ। ଟଙ୍କା କି ଟଙ୍କା? ତୋ ବାପା ଯୋଉ ଟଙ୍କା କରଜ ନେଇଥିଲା ଦୋକାନ ଖୋଲିବୁ, ଦାଦା ମାରିବୁ, ମାସିକିଆ ଭୋଗ ଲଗେଇବୁନି, ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା ବଟି ସିଧା ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତି ମାସ ଯିଏ ଚାନ୍ଦା ନିଅନ୍ତି ସେମାନେ ତ ତମେ ନୁହଁ, ମୁଁ ତ ପ୍ରତି ମାସ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆସୁଛି, ଏଇ ମାସ 200 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଜୁଳୁନ କାହିଁକି? 50 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କାର ଦାଦା ଆର ପାରିକି ଗଲେଣି, ଏଇ ମାସ ଠାରୁ ଏ ଏରିଆର ଦାଦା ନୀଲୁ ବର୍ଜେନା। ରାସ୍ତା କହ ନା, ଯା ପାଦ ଧୋଇ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିବୁ ଯା।
पुणी मिछ कहिलु बाहर पर टीवी शब्द शुभुला तु एठु अछु आउ के टीवी खोलथिला टीवी देखिबा दोसा बो नहु मिछ कहिबा अपराध तोर यही गुण पई तु तीन वर्ष परीक्षा दबार वंचित होइछु मु तो कॉपी कर नथिलि मोनारे मिछरे अरे सत्यरे कॉपी करी शास्ति पाइबा गोटे कथा किंतु कॉपी न करी मिछरे शास्ति पाइबा ताटु बेसी अपराध तु प्रिंसिपल को सत कथा कहिलु नि काई मु तो केत थोर से गीत सिखैछि सत कहिबा को किया डरिबी सत कहि पछे मले मरिबी मु तो सत कथा कहबा को चाहिथिलि किंतु नीलू मते छुरी देखि धमक देला मु डरि गलि सत कह चाहे सत कहीपाल गुंडा बदमाश को जिते डर से डर निजे कपी कर छुरी देखी तो मुंडे अठा बोल दल कल जो गोटे मनीष मारे छुरी देखी तेज कह कह तु से लोक मारिचु बोली तु निजी हत्याकारी मानबू आगु से जेल जाइला गदाधर कहला से गोटे खुब दुर्दांत गुंडा से मुझे डरी गली सेमान मते से कॉपी कागज पर दस्तखत करिया पई कहले तू मिच्छ काई कहले तू सत कहितले से तो किछि करि पई नथा बर मिच्छ गई तो चरित्र रे काली दाग लगैलु ओ सेत पई ओ मुंडा सब दिन पई तळप होइ गेल तमे त कोन कहिया को चाहुछ से सत कथा कहि से गुंडा हाथरे प्राण दे था ए कळी जुग रे सत्या हो अछि तमे लोक मानु कहु न जे मु पुअर दोष नै बोली ताकू छुरी देखे जबरदस्ती मिछ कह कहा जाए सत्य खाइब ना भोक ना भोक कौन ना खाइब चल तमें केमी बाप कहल पिलार पाठ पढ़ ना जीवन पढ़ जीवन थी तो भिक मागे आनी पेट पोषि पार पाटा जीवन रक्षा करने को जाए बोधे मिछ कहीदेला तमें से दिन ठूँ पछे पछे लगे खराब समय चलछी बापा तमे ताको टिके बुझा तमे न कहले से जम्मा भात खाइब समस्त धिकार समय अपेक्षा बर मरीज भल सत्य सत्य तुम कथा को धरी रागरे किछि खाउनु अरे मु जहा कहे तो भल पाई कहे तू कौन चाहुचु तते केही किछि कहिबेनी कांदुचु काहेकि अनुताप कले भूल ल प्रायश्चित हुए किंतु तू तो निज हाथ रे निज भविष्य को नष्ट करिछु छाड़ जा हबार थिला हला मिच्छ कइ मुचो भूल करिछि तू तो जानी सुनी मिच्छ कहिनु आ भूल करलु कोठी जे जा कहले भी आमे तो जानी तू सेमते पिला नहि बोली मु तो मन कथा बुझु सत्य हेले तू मो पु होई प्राण भय रे मिच्छ कहिबु ता मु केमति सही भी कहिलु सब कथा जानी मध्य तमें बुझा सुझा लोक एत कथ कह बाहर लोक को कह कौन तु चलु सत्य खाइबु चल सत कह तु जदि न खाइबु मु खाइबिनि सत्य सुपर्णा अरे विवेक बाबू आप डर मार्ज पुह तार दोष कौन सा मो पाखे कांदी पकेला कहला मऊसा मु तीन वर्ष परीक्षा दे पारिनी बोली मो मनरे जेतिके दुख नै मो पई बापा रास्तारे मुंडो टेकी चली पारिनी भाबिला बळकु मते कांद मडुछ सत्य कथा कहतुला मु कोन आपन मिछ कहउछि सत्य भेला पिला सहरे केते जण अछन्ति कहिले से परीक्षा पई बिचारा खूब परिश्रम करितला
आम गदा आ सांग पढ़ती तो मुझे निजे देखी गदा पड़ू पड़ू शो पड़ थो सत्य पढ़ी चल थी कौन है इतने परिश्रम करपराधे तीन वर्ष परीक्षा देवा सुजोग वंचित परिश्रम परीक्षा 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 जीवनटा सारा खाली परीक्षा बंची रही प्रतिद्वंदिता भितर पे के कलाकाठ पड़ जा देखी पार ना सार जहाँ हवा कथा हो गला छाड़ू से कथा सत्य को आपये किसी कटु कथा कहेनि आपड़ मत से कथा कहले बेक पाऊ बाप माँ मैंने पिला मानू जहाँ कहती मंगल पर कहती जुग बदली गला सार एणिकी पिला मानू डरीक चलवाक पड़ू ये आम सुधा कौन है सुधार से तो भाई सुधार पिला मछी को मिले कहेनि तार बीए फाइनल ना कौन ता कथा कहतु ना निज झी निआ को अंटी पड़ी केते दिन घोड़े रखी ये सहरे आपण होछन मोर अति आपणार लोक मो पिला दिन भी आपण पाखरे पाठ पढ़ी आउ से मनती पाठ पढ़ु ना कौन मैट्रिक तो से फर्स्ट क्लास पाइला मन तो गोटे बजारी पिला को दे बसी आ मन दे पाठ पढ़ कौन ता डर से संध्या बेले मु ड्रॉइंग रूम रे बसुन सुधा ना रे आपण ए सब कौन कहछन बिबेक बाबू निज झी विषय एणुतु कहवाक को बाप को भल लगे सार से गोटे बाजे पिलार पादे पड़ी निजर सत्यानाश करने को बसी एक प्रथम कान में पड़ूला बारण कलर से पिला को संज बेले घर को डाक ड्रइंग रूम बस हे हे फे फे हूँ आपर को मना कर भावनी मो स्त्री पूरा पछर टाणुं कहते से दी कि गप करने को घर मना करदे बाहर गप करे आ गोटे कथा जानती सार आम कि जानू से दी पुरी चली जा सुधा को अस्तव्यस्त हो चारे खोजला बेलू झीवर पुरी रू फोन आसला बापा आम बीच फेस्टिवल देखा रात रही जाऊ राजी किए राजी हुए ना राजी हो था मो रागे पटितुंड कलु से कौन कहला जानती बापा आप किसी भय करूँ ना मो सांग देवप्रिय अच्छा किसी असुविधा हमने देवप्रिय किए आए से तार बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड हाँ सर आजिकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कथा कलेज बेस्ट चलु से पिलाटी कौन कह बेक बाबू जदि सुधा प्रकृत से पिला को चाहिए आप बाधा नदी बर बाहटा शीघ्र करदे बुद्धिमान काम मुझसे क्या भावु नी कि कौन करी सार पाटा संपूर्ण बेकार राजनीति करे सुधा तक बाहर से चलिए किपर बेकर ढोल पड़े भले सी बजे बाहर पर रोजगार पंथा निजे खोजी बाहर कर सुधा बहुत भल झी मो छात्री थी मुझे भल कि जाने ता सिलेक्शन के खराब हेनी बाहर कर दिंतु आप भाई से विषय चिंता करें मो स्त्री कथा प्रसंगे से पिला को बाहर विषय पचारे से कौन कहला जानते कहला ये जो श्रेणी विभक्त समाज व्यवस्था से मुझे बाहर छंदे ही जाए तेरे समाज विप्लव करिब किए मोर घर ना मुझ चाकरी करने को चाहे समाज विप्लव मो पाठपढ़ा छाड़ी निजक उत्सर्ग कर बाहर ए दुस्समय गोटे बुर्जुआ विलास आश्चर्य बहुत नगर गोटे झील सागर मिलामिशा करवा एक प्रकार व्यभिचार सुधाटा सरल झील से पिलाटा तक अबाटे नहीं जाचार को प्रश्रय दिंतु बेक बाबू आपत मो स्त्री को बुझाई दिखाई टाण हो पारे ओल्टा सी मत बुझाऊँ वयस्क हो जाते पद कथा कहले से दीपद कथा कहे से कड़ा कथा कहले से घर छाड़ी चल जाए से भल हम आप स्त्री बोध ठीक कहते बेक बाबू आजिकल का पिला डरी चलवाक पड़ो मुझे तो मो ड्रइंग रूम बस भिएतनाम ठार बोसनिया पर्यंत विश्व राजनीति चर्चा कला बेले लुचिक रहे सही पारे ना कि कही पारे ना हाँ कौन करा जाई पारिबो सत्य नमस्कार भितर को जा सत्य घरे अछि नै मो सब सत्य पक्ष आसिनि बापा खोजिया पे आसिछि मते खोजिया पे आसछु मो कोन हजि जाथुल ना कोन बाजार ऊपर भीषण गंडगोल चलछि त काले आपण एटी थिबे जेतपे मु खबर देबा को आसिले आपण बाजार बाट न जाय कि आपण अन्य बुलाडी बाट चल जिवे बाजार ऊपर गंडोळ अरे की का साहेब गंडोळ करछि अखिल बाबू को संगरे से नीलू बडजना ता गैंग धरि गंडोळ करछि नीलू बडजना ए नीलू बडजना किए तार पुनी गैंग कोन आपण नीलू बडजना को चिन्हाती सर जहा पे सत्य आमे एसपी ना ओ अच्छा अच्छा किंतु सत पाठ पढेबा पिला अखिल बाबू सर तार कोन गंडोळ एरिया रो मस्तान हिसाब रे दादा बटी आदा करछि आउ तू भीतर जा मो गला तो डाक मो सांग घर को जी आजिकल शांति में बचा बड़ कष्ट ही सार जहाँ भी दादा चंदा दवा को पड़ो अखिल बाबू भाया लोक हाँ मुझे भाव कर
ଚାଲନ୍ତୁ ବଜାର ଉପରକୁ ଯିବା। ଗଲେ ବି ଆମେ ସେ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କର କିଛି କରିପାରିବାନି। କରିପାରିବା ନାହିଁ ମାନେ ଅଖିଳ ବାବୁ ଆମ ସାହି ଲୋକ, ସାହି ଲୋକ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ଆମର କ'ଣ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ। ଆର ସାହିର ଲୋକ ଆସି ଆମ ସାହିରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଦେଇଯିବେ। ଆପଣ ଉଠିଲେ ବଜାର ଉପରକୁ ଯିବା। ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ମାଙ୍କର ନାଚନ ଷଣ୍ଢ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି ଦେଖିବାକୁ ବାହାରିଛ? ଚୁପଚାପ ହେଇ ଘରେ ବସିଲ, ଯାହାର ଯାହା ହେଇଯାଉଛି ତମେ କୁଆଡ଼େ ଘରୁ ବାହାରନ। ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବିବେକ ବାବୁ, ଅଖିଳ ବାବୁ ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ଲୋକ, ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଆମକୁ ଲୁଗାପଟା ବାକିରେ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଆସି ଆକ୍ରମଣ କରିଯିବେ, ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ ବି କରିବାନି। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଦୁଃସମୟ ସାର। ଭାଉଜ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖିକିରି ନ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଆଖି ବୁଝିଦେବାଟା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ବେଳକାଳ ଭୁଲୁନି ସାର। ତାହେଲେ